दो तीन साल और कॉम्पिटेटिव खेलना है, लीव मत करना। अरे विशाल शर्मा शादी करके मैं बच्चा भाई कर जल्दी से गाइस मेरा भी लाइक करते रहो ये फटाफट से। सुन 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 रेबेल, विशाल शर्मा बोल रहे हैं दो तीन साल और कॉम्पिटेटिव खेलना। अरे हमें 2-3 साल में अगर शादी करनी है तो क्या करेगा हम? कॉम्पिटेटिव खेलेगा बच्चा के साथ? वही तो भाई, ऐसे थोड़ी होता है। उसको फिर वहां कौन कॉम्पिटिटिव खिलवाएगा? वहां तो खेल लेगा हेलो कॉम्पिटिटिव उसका ट्रेनिंग हो जाएगा, उसका मेंबर ट्रेनिंग कौन लिया? उसका तो ट्रेनिंग मॉडल का बच्चा होगा ना, वो तो सब सीखा हुआ होगा। टारगेट कर रहा है बैड और क्या बोल रहे हो भाई? रेगा सुनो, आजा रेगा सुनो, रेगा रेगा लकड़ी लड़के मार रहे हैं उसको। रेबेल को लकड़ी बोला तूने? ओ भाई खुल गया रेगा। जायरस श्रीमान लेजेंड टकला होने वाला है 50K लाइक्स पर, क्या कह रहे हो? हाँ ये कल का हाईलाइट बहुत डेंजर होने वाला है। जल्दी से गाइस श्रीमान लेजेंड के 50K लाइक्स कर दीजिए, टकला होते हुए देखना है अगर आपको तो। यहाँ पे लाइक करके जाना लेकिन गाइस प्लीज, 70K लाइक्स पे हम ह्यूमन फॉल फ्लाइट खेलेंगे, मजा आएगा। मॉर्टल की तरफ से जितने भी व्यूअर्स आए हुए हैं उस गेम को, इस गेम को वो एंजॉय करें, मूवमेंट को एंजॉय करें और शांति से लाइक किए बिना यहां से प्रस्थान कीजिए। बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, आज आपके भाई को बिल्कुल लाइक की प्यास ना भूख है। आप बस इस गेम को देखिए, मुझे देखिए, मजे लीजिए, लाइक नहीं कीजिए। आज लाइक करना बिल्कुल अलाउड नहीं है। अगर आप मॉर्टल को मानते हो, मॉर्टल को प्यार करते हो और मुझे भी प्यार करते हो तो आप मुझे आज लाइक नहीं करोगे गाइस, आपको कसम है गाइस, प्लीज प्लीज गाइस प्लीज। यहीं कहीं थी रेगा, धुआं थी चला गया का, मेरे को दिख नहीं रहा। मैनिया गोपी इधर लेना बता था? देना। नो नो सोलह ऊपर पड़ नहीं आ रहा है भाई, अक्षय से बात तक नहीं हुई है, क्या बोल रहे हो आप? ये रहा सामने, ये देख, यहीं रोक दूं? यस गए बोलो, पहला है क्या? यहीं रोक दूं फिर मुंह पे लगा। ये तो कुछ ज्यादा ही आगे था, डबल पीछे पीछे छोड़ गए भाई। ये सेटिस्फाई नहीं हुए, अक्षय से तो हमारी बात ही नहीं हुई है। आप सोल अक्षय स्पैम कर रहे हो, सोल मेसी भी स्पैम कर दो, सोल रोनाल्डो भी स्पैम कर दो, सोल नेमार भी स्पैम कर दो, एक बार सोल सोरेस भी कर दो, हाँ फिर एक बार, हाँ और एक बार बारसा बारसा मॉर्टल भी स्पैम कर देना फिर, ठीक है? कौन पादशाह है? सही है बारसा, बारसा और कर ही रहे हो तो एक बार डुप्लीकेट एक बार ही But with an amazing player from the PUBG Mobile community in India, it's going to be Scout OP, Orange Rock ki taraf se. So Scout, welcome to the show and congratulations on the performance of the team. Thank you so much for your time. Hey, hi guys, hello everyone. So Scout, my first question to you is, kis tarike ka yahan pe performance aap yahan pe jo Sanok wala jo match? मत पूछो, हम लोग को पता नहीं हमने क्या किया है भाई, मत पूछो मेरे मावे हम खेल ही नहीं रहे थे। ओके ओके ओके, आई काइंड ऑफ हैव अ क्वेश्चन बट देन ऑरेंज रॉक से रिलेटेड कि आपने क्लासिक मैचेस भी खेले हैं, कस्टम मैचेस भी खेले हैं, पहले आप फनाटिक के साथ खेल चुके हैं, बट देन ऑरेंज रॉक के साथ आकर सिनर्जी आपकी कैसे बैठी है, क्या ग्राइंड आपकी रही है जो अभी तक आपको यहाँ पर लेकर आई है? देखो यार, हम लोग का टीम बनी हुई तो एक वीक ही हुआ है, एक वीक से भी कम हुआ है। हाँ। तो बस हम लोग जो जिसने जो सीख के आया आज तक बस वही खेले, सिनर्जी तो भी मतलब समझ लो कि हम लोग को पता नहीं एक दूसरे का प्ले स्टाइल, बस खेल रहे हम लोग जो चल रहा है खेल रहे हैं, हम लोग समझ लो कि नई चीजें ट्राई कर रहे हैं मैचेस में जितने भी। तो ये शाइनऑफ जो हुआ है कसम से, हम लोग को लग रहा था कि किसी के 10 किल हो गए, किसी के 8 किल, जो हम लोग स्कोरबोर्ड देखे हम लोग को शौक थे कि भाई क्या किया हमने, इतने नॉक करके कहाँ के लौंडे। अरे बिल्कुल वहाँ पे हमें बिलीव भी नहीं हो गया, हम डिनर लिए पहली बार, मतलब ऐसा था मजा आता है भाई, चिकन डिनर निकला है, हमें लगा भाई और एक गेम बाकी है, कंटिन्यू होगा क्या रैंक भाई, नहीं भाई मतलब फील नहीं हुआ भाई, पबजी वाला फील ही नहीं है इसका। बट कोई नहीं, ये वाला मैच जिस तरीके, बट आखिरी मैच में क्या ऑब्वियसली जो जिस तरीके से 1-7 हम लोगों ने देखा कि गैप बहुत मिनिमल है, एंड वो मिनिमल गैप को एक अगर टॉप 3 भी अगर आप एंड करते हो तो मे बी यू कैन गेट अ चांस टू बी ऑन द टॉप, लाइक टेबल टॉप करने का चांस है, लाइक अगर यहाँ पे अगर आप सीरियस हो, बिकॉज सेमीफाइनल्स में आते आते आप जैसे बोल रहे हो अभी एक हफ्ते पहले टीम बनी, बट एक स्टेटमेंट बन जाएगी एक हफ्ते में टीम बनी है बट स्टिल यू ऑन द टेबल टॉपर, सो किस तरीके का यहाँ पे माहौल रहेगा आपकी टीम का आखिरी मैच के लिए? माहौल तो चिल्ला, कोई प्रेशर है नहीं, हम लोग बस मैं बता रहा हूँ, गलती से कोई अगर रिकॉर्डिंग देख ले हम लोग की गेम प्ले का हंस देगा, हम लोग मजाक कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं, लिटरली हम लोग मजे ले रहे हैं गेम में, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इतना तो है कि इतना कॉन्फिडेंस है कि भाई हुक एंड क्रूक हम लोग टॉप 8 में तो निकाल लेंगे, बाकी सेमीज का अलग चीज है, प्रेशर
एकदम चले, मावी तो है ही अपना आईजीएल चले। ये काफी सही चीज है, ये एक्चुअली एक यू नो पॉजिटिव वाइब दे रहा है टीम को भी कि आराम से चिल होकर खेलना विदाउट एनी प्रेशर एंड उस चीज के साथ साथ काफी ऊपर जाना है। सो आई वुड से कि जिस तरीके से भी अभी निकाला है मे बी आखिरी गेम भी वही चीज उसी यू नो पॉजिटिव वाइब के साथ प्रोबेबली वो भी एक अच्छा चिकन डिनर हो सकता है आपकी टीम के लिए मे बी। ऐसे तरीके से नहीं निकाला, अरे सही। Well, रैंगल पे उम्मीद तो यही रहेगी कि आपकी टीम जो है वो फर्स्ट पोजीशन वहां पे रीच कर पाए एंड गुड लक टू यू एंड योर टीम। और सेमीफाइनल्स पे भी आपकी पोजीशन जो है वहां पे ऑलमोस्ट सिक्योर हो चुकी है, तो उस चीज के लिए भी गुड लक, स्काउट टू यू एंड ऑरेंज रॉक, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। वेल Right guys, finally here is the announcement. जो लोग भी इंस्टा पे फॉलो नहीं करते, जिन लोगों ने भी नहीं देखा, सो यस गाइस, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है ये अनाउंस करते हुए कि एक इंटरनेशनल ऑर्ग जिसका नाम है नोवा ईस्पोर्ट्स, सो उसी ऑर्ग ने, आपको तो पता ही था पहले से बिकॉज ऑफ सो मेनी लीक्स एंड ऑल, सो गाइज वी आर #, दिल से नोवा गॉडलाइक। आज से बस गॉडलाइक नहीं चलेगा, नोवा गॉडलाइक, और जो कि मैंने प्रॉमिस आपको किया था कि मैं गॉडलाइक का नाम जाने नहीं दूंगा, जैसे कि आप मेरा नाम देख सकते हो, इन गेम नेम नोवा GL क्रॉन्टेन, ये नाम रहेगा अपना फ्यूचर में। सो इससे आपको पता चल गया होगा जो भी मैंने प्रॉमिसेस किए थे आपसे, वो सारे मैंने प्रॉमिसेस रखे हैं। एंड दूसरी बात ये है कि न्यू लेआउट वगैरह सब आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा गाइस। यार चाइना कंपनी बायकॉट, भाई ये जो भी बंदा है ना राज ब्रो, तुझे पता नहीं है तो ये हांगकांग की कंपनी है, ठीक है, और तुझे अगर पता नहीं है तो चाइना का फ्लैग अलग, हांगकांग का फ्लैग अलग है, गूगल कर लो सबसे पहले हांगकांग और चाइना में क्या डिफरेंस है क्या है। और दूसरी बात, ये इंटरनेशनल ऑर्ग है अपनी गॉडलाइक की जर्सी, और इसमें और एक डिज़ाइन है वो मैं अभी नहीं दिखाऊंगा। सो ये देखो, ये नया लोगो है अपना गॉडलाइक का, कहाँ पे दिखा रहा है ये, अच्छा ठीक है, और इसमें मैं आपको और एक चीज दिखा रहा हूँ यार, इसको आगे कैसे लेते, ओके, और ये देखो ये एक कलर होगा, ज़ूम करना, ज़ूम करना, ऐसा एक कलर होगा, और एक जर्सी है, और एक जर्सी है, देखो और दो जर्सी है अलग कलर में, ठीक है वो मैं आपको दिखा दूंगा, ये कलर है, ठीक है, इसमें अपना नया लोगो लगेगा, मतलब ये वाला लोगो, ये अपना नया लोगो है, जी जी जी, मतलब गॉडलाइक, और ये सेम ऐसी जर्सी होगी, इसमें एक व्हाइट कलर होगा, एक ये कलर होगा, एंड आई डोंट नो तीसरा कलर अभी तक हमने फाइनल नहीं किया। भाई मेरे को व्हाइट वाला भेज देना, ओके, सेक्सी लग रहा है। सो ये, और गाइस ये देखो अपना वैम्पायर, ओ भाई 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 भाई, ये देखो वैम, ओ माय गॉड, रुको रुको मैं आपको, ये है वैम, ठीक है, और मैं किसकी फोटो दिखा सकता हूँ आपको, रुको, ये वैम एक्सपोज हो गया इधर, वैम के बाद गॉड एंड स्मोकी छोड़ो, रैथ को आपको देखना है ना, ये है अपना रैथ। ये देखो, ओह शक्तिमान है भाई रैथ तो, और एग्जी, एग्जी को तो, एग्जी के तो शायद आपने देखे होंगे, गॉड एंड एग्जिस्टेंस, ये देखो, ओह गॉड लाइक प्लेयर नेम चिसिन, ये अपना एग्जी, ओ भाई 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 भाई, भाई, भाई खतरनाक लोंडा, और किस भाई, कैरी का नहीं दिखाऊंगा भाई, कैरी कुछ गलत ही दिखा देगा, स्मोकी के तो छोड़ो, स्मोकी के भी आपने देख लिया, और नोवा गॉड लाइक लोगो, अरे लोगो तो आपने देख लिया होगा, ये टीम आईडी डॉक्यूमेंट भाई, एड्रेस वेड्रेस लीक हो जाएगा गलती से। चलो नेशनल ऑर्ग है, जैसे अगर बात करें गॉडलाइक, गॉडलाइक बस इंडिया की ऑर्ग है, लेकिन नोवा स्पोर्ट्स इंटरनेशनल ऑर्ग है, उनकी यूएस में टीम है, उनकी ये BTR खास है, इंडोनेशिया में टीम है, अभी उन्होंने इंडिया में लिए, अभी और अलग अलग जगह पे लेंगे, सो इससे कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हो। और दूसरी बात, और एक दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ गाइस, अपनी जो हाँ, तो दूसरी बात ये चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ गाइस कि ये पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप मतलब जो उनके पास बेस्ट चीज़ है नोवा स्पोर्ट्स के पास वो अपन को देंगे, और जो हमारे पास बेस्ट चीज़ है वो हम उनको देंगे, समझ रहे हो। तो ये दो कोलैबोरेट करके एक गुड थिंग, जो कि आपको एक वीडियो में दिखाऊंगा,
जो कि नोवा स्पोर्ट्स के जो ओनर है उन्होंने बोला है, वो अभी नहीं मैं पोस्ट करूँगा। सो दूसरी बात गाइस, तो देखो उनके पास है बहुत बढ़िया कोच, और मेन चीज मोबाइल गेमिंग में उनकी अचीवमेंट, उन्होंने बहुत सारे टूर्नामेंट विन करे, #1Page वर्ल्ड चैंपियनशिप एंड ऑल। सो मोबाइल गेमिंग में एक ऐसी और है, तो उनके पास बहुत सारी कोचिंग है एंड सब कुछ, तो इसीलिए नोवा गॉडलाइक हुआ है। एंड आपको अभी पता चल ही जाएगा आने वाले डेज में गॉडलाइक का परफॉर्मेंस, गॉडलाइक कैसी खेलती है और क्या क्या चीज़ है। अब इसके बाद आते हैं गाइस, इसी खुशी में मैं 200 के यूसी क्रेट ओपनिंग करने वाला हूँ, और however, we have a message for you. That it is possible to be done.